चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी एक रेसिपी लाई हूँ जो पाउडर फॉर्म में है, जिसको बोलते हैं रसम पाउडर। ये दक्षिणी भारत का बहुत ही चाव से इंजॉय करने वाला एक पाउडर है जिसको रसम पाउडर बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन इसे हम घर में कैसे बनाते हैं इसकी मैं रेसिपी लाई हूँ। इसका रसम हम बना के पीते हैं अलग अलग फ्लेवर में इस पाउडर के साथ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये पाउडर हम घर में कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखिए हमने लिया है, कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रहे हैं, कुछ हम आपको बनाते समय दिखाएंगे। तो एक कटोरी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने खड़ा हुआ धनिया लिया है, ये कप से मेज़र करेंगे तो हाफ कप है। और एक चम्मच हमने जीरा लिया है, एक चम्मच मस्टर्ड सीड पीली वाली सरसों है, आप काली भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चम्मच हम यहाँ पर मेथी दाना लिए हैं। यहाँ करी लीव्स आपको दिख रहा है, 30 से 35 करी लीव्स है। लाल मिर्ची है, यहाँ पर आप लाल मिर्ची अगर तीखी नहीं है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमने लिया है आधे चम्मच तूर दाल यानी अरहर की दाल और आधे चम्मच चना दाल, आप उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो एक पैन रख दिया है, इसको हीट कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम सारे ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे करके आप इसे रोस्ट करिए धीरे धीरे, जिससे अच्छे से ये भुन जाए। नहीं, अगर आँच तेज रहेगा तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा भी नहीं। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, आँच को बिल्कुल आप लो टू मीडियम पे करके इसे धीरे धीरे सेकिएगा। तो इसे रोस्ट कर लेते हैं हम। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे हम रोस्ट कर ले रहे हैं। ये रसम पाउडर आप घर में बना के रख लीजिए तो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं उसमें भी थोड़ी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी स्टफिंग वाला, आलू का स्टफिंग बना रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। ये दक्षिणी भारत में तो हर घर में बहुत ही चाव से इसका इंजॉय किया जाता है। इसका सूप बनाते हैं, रसम बनाते हैं, सूप फॉर्म में होता है। उसको आप चावल के साथ भी लोग खाते हैं और इसे पीते भी हैं। तो ये देखिए किस तरह से हम अब जीरा डाल दिए हैं, इसमें मेथी दाना डाल दिए हैं, इसको भी रोस्ट कर ले रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे यहाँ हाफ स्पून काली मिर्च। तो काली मिर्च भी 10 से 12 दाना आप यूज़ कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए। इन तीनों को रोस्ट कर लेते हैं। जैसे धनिया को रोस्ट कर लिया हमने, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, उसी तरह इसको भी रोस्ट करके एक बाउल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो सारे मसाले एक एक करके इस तरह से हम ड्राई रोस्ट कर ले रहे हैं और सबको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाउल में। तो ये भी रोस्ट हो गया, इसे भी हम खाली कर लेते हैं, इसी बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके बाद हम देखिए डाल देंगे और दाल हमने जो लिया है और करी लीव्स, और इन सब को भी डाल के मस्टर्ड सीड। तो मस्टर्ड सीड हमने देखिए पीला वाला लिया है, अगर आप चाहिए तो काली वाली यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मिले। तो 1 स्पून आप डाल के इसको यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से इसको रोस्ट कर लेते हैं। करी लीव्स भी डाल दिया। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो करी लीव्स आप हाथ से दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्पी हो जाता है, यानी हमारा ये रोस्ट हो गया अच्छे से। अभी और भी इंग्रेडिएंट्स हम आपको दिखाएंगे इसमें और क्या हम ऐड करने वाले हैं। तो इसको रोस्ट कर लेते हैं पहले। तो आँच को लो पे करके ध्यान दीजिएगा, आँच आप बढ़ाइएगा नहीं बिल्कुल, और अपने से सेट करते रहिएगा। अगर आपको लगे आँच तेज़ हो गया है तो आप इसको पैन को थोड़ा हटा के फिर से रोस्ट करिए। तो इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा रोस्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे, गैस को ऑफ कर दिया हमने। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 से 3 पिंच हम हींग ले रहे हैं और 1/2 स्पून हल्दी का पाउडर। तो गैस को ऑफ़ करने के बाद इसको ऐड करिएगा। तो गैस ऑफ़ कर दिया हमने, तब ये ऐड कर रहे हैं क्योंकि आँच इतनी रहती है कि इस पर हमारा सिक जाएगा। तो अब इसको सेक के हम इसको भी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से देखिए चला देते हैं अच्छे से। अब एक लीव्स उठा के आप देखेंगे करी का, तो अगर क्रिस्पी हो गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। तब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से मसालों को ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इसको पीसेंगे। तो ये ठंडा हो जाएगा तभी पीसिएगा, यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब इसको पीसेंगे। तो देखिए मसाला ठंडा हो गया, तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं। तो पीसेंगे तो ये बहुत ही बारीक मत करिएगा, हल्का सा दरदरा, यानी मोटा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा दरदरा पाउडर होना चाहिए। तो आपको दिखा रहे हैं देखिए किस तरह से है, ये देखिए बहुत फाइन नहीं है तो बहुत मोटा भी नहीं है, देख सकते हैं आप, हल्का सा दरदरा है। तो मसाला हमारा बनके तैयार हो गया, आप इसको यूज़ करिए किसी भी रेसिपी में। आप अगर कोई ग्रेवी बना रहे हैं, कोई सूप बना रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा आप मात्रा डाल के देखिए, उसकी आप कैसे इसका इन्हेंस हो जाएगा, पूरा टेस्ट आपका बढ़ के आएगा। तो
तो ये बहुत ही यूज़फुल है। सर्दी जुकाम खांसी गले में कोई इन्फेक्शन हो तो इसमें भी बहुत ही हेल्पफुल है इस बारिश के मौसम में। दक्षिणी भारत में आप देखेंगे तो ये हर घरों में बहुत ही यूज़ किया जाता है। इसको चावल के साथ भी लोग खाते हैं, अलग अलग फ्लेवर में बनता है रसम। हम आपका इसका वीडियो जल्दी अपलोड करके देंगे कि किस तरह से रसम हम बना सकते हैं, इस पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट आपको मिल जाता है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू, बाय बाय।